मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट कांड समेत कई मामलों में शामिल अंतरजिला गिरोह के अपराधियों को धर दबोचा गया है। पुलिस को यह कामयाबी नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज टावर से मिली है। जानकारी के अनुसार वरीय अधिकारियों को सूचना मिली कि कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों ने थानेदार को निर्देश दिया और इसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार, बाइक, गांजा सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने बताया कि पहले भी यह अपराधी जेल जा चुका है और कई कांडों में इनकी संलिप्तता देखी गई है। क्या नगर थाने पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी बड़ी संख्या में मादक पदार्थ और आर्म्स लिए हुए सरैयागंज टावर के पास इकट्ठा हुए और साथ ही अपराध को अंजाम देने के फिराक में। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में ये टीम बनाकर करके गए। इसी दौरान चार अपराधकर्मी पिस्टल, गोली और एक किलो गांजा के साथ और गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा रहा है। इसमें से एक अपराधकर्मी है राजा, जो पूर्व में मोतिहारी से मैसी थाना से 5 लाख के पेट्रोल पंप लूट में जेल जा चुके हैं। साथ ही विभिन्न विभिन्न थानों से ये और भी कांड में जेल जा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही दूसरे अभियुक्त का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इन लोगों के संबंध में विशेष जाँच की जा रही है। ये लुटेरे थे, लुटेरे गिरोह से है या किस? जी बिल्कुल, इन्हों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये लूट करने में माहिर हैं, कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही ये लूट की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे।